जम्मू कश्मीर में सफाई व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सफाई कर्मचारियों का एक अहम योगदान रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, कुछ ऐसी पत्रकार वार्ताएं हुई हैं जिसमें ये सामने आया है कि सफाई कर्मचारी वर्सेस सुपरवाइजर का मामला जो है अब तूल पकड़ रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार जम्मू को साफ सुथरा रखने में एक अहम योगदान देते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल ये पूरा मामला क्या है और क्यों आज गुस्से से भरे हुए ये तमाम लोग हैं। सर क्या मामला क्या है? जी नमस्कार, मैं लक्की जीदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। सबसे पहले तो मैम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से हमें रूबरू होने का जो मौका जो मिलता है, अपनी डिमांड्स को रखने का, अपनी परेशानी को रखने का जो मौका हमें आपके चैनल के थ्रू मिलता है। तो जहाँ तक आज हमारी जो प्रेस वार्ता की जो बात रही, उसका विषय ये है कि पिछले दिनों हमने एक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लेटर जो है वो सबमिट की गई यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से कि सफाई कर्मचारियों को जो दिक्कतें परेशानियां फील्ड में आ रही हैं उनके ऊपर जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संज्ञान ले, कि जिसमें कि हमारे वो उस लेटर में लिखा हुआ है कि हमारा जो सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर जिस एरिया में कार्य करवा रहा है वहां से अगर कोई कंप्लेन ऑनलाइन डाली जाती है एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, तो उस कंप्लेन के ऊपर जो है वो कार्रवाई करते हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको पीसा जाता है। तो हमारी ये उस लेटर में जो लिखा हुआ है हम लोगों ने कि उस लेटर को जो है उस एरिया को जाके या उस कंप्लेनर को थ्रू कॉल के पता किया जाए कि क्या उस एरिया में वो कंप्लेनर जो है वो अपना जीआर, अपना रेवेन्यू जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस चीज का इश्यू बनाकर हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो अपने आप को कहती है कि हम अपना सुपरवाइजर सेंट्रल सुपरवाइजर यूनियन की प्रेसिडेंट हैं मैडम शहजादी गिल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी लेटर को लेकर, जिसमें कि उन्होंने पहले फोन कॉल करके तमाम सुपरवाइजरों को जो है वो भड़काने की कोशिश की और उनको ये साफ लफ्जों में कहा कि यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक लेटर सबमिट की गई है जिसमें कि आप लोगों के ऊपर ये ब्लेम लगाए गए हैं कि सफाई कर्मचारियों से या फील्ड में लोगों से सुपरवाइजर जो है वो पैसे ले रहा है। जब बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जो है वो शहजादी गिल अपना टॉपिक जो है वो चेंज कर देती है, वो पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के ऊपर लगा रही है कि हमने जो है सुपरवाइजरों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मैम ये लेटर हमारी आपके बिल्कुल सामने है, तो दोनों का जिक्र किया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिक्र किया गया कि अगर दोनों को परेशानी आती है तो उसकी पहले संज्ञान जो है डिपार्टमेंट ले और हमारे किसी भी अधिकारी को, ना तो सुपरवाइजर को परेशानी हो और ना ही सफाई कर्मचारी को परेशानी हो। इस चीज का उन्होंने उल्टा मतलब दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को और थ्रू मीडिया के हमारी यूनियन को जो है वो बदनाम करने की। आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप लोग पैसा बटोर कर जो है वो सुपरवाइजर को दे रहे हैं और आप लोगों पर बड़ा आरोप लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने सीधे लफ्जों में यह कहा कि सुपरवाइजर जो है वो पैसे खा रहा है, ये यूनियन के जो लांछन है वो लगाए गए हैं सुपरवाइजरों के ऊपर कि यूनियन ने ऐसा कोई भी ये रिटर्न में। आपने इससे पहले कभी बोला उनके खिलाफ, कभी कुछ बोला जो वो इतना आरोप लगाने के लिए? बिल्कुल मैम, हमने सुपरवाइजरों के खिलाफ कभी, क्योंकि हम भी उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर उस डिपार्टमेंट की वो हड्डी है कि जिसके बिना डिपार्टमेंट चल नहीं सकता, ना तो सुपरवाइजर के बिना सफाई कर्मचारी चल सकता है और ना सफाई कर्मचारी के बिना सुपरवाइजर चल सकता है। ये एक हवा बनाया गया है कि जिसको हम, हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कमिश्नर साहब से कि हमारी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन ड्यू पड़ी है जल्द से जल्द उनको करवा के इन चीजों का जो इश्यू है इसको खत्म किया जाए। और जहां तक हमारी यूनियन के बारे में जो बात की गई है मैडम शहजादी गिल ने जिस लेटर के विषय पे बात की है हमारी यूनियन को बदनाम करने की, हम चाहते हैं कि मैडम शहजादी अपने आप को सुपरवाइजर यूनियन की जो प्रेसिडेंट कहती हैं, हमें पता है कि वो पढ़ी लिखी होगी, तो उन्होंने ये लेटर जो है वो पूरे तरीके से पढ़कर हमारे ऊपर जो लांछन है, जो ब्लेम है हमारी यूनियन के ऊपर वो लगाए होंगे। हम चाहते हैं कि थ्रू मीडिया के ही ये लेटर पढ़े वहां बैठकर, और इसमें अगर यूनियन कहीं भी गलत साबित होती है तो हम अपने ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर कोई भी एक्शन ले। कंप्लेंट्स गई थी कौन से वार्ड से, कंप्लेंट्स गई थी, कोई जानकारी है किन किन लोगों ने ये कंप्लेंट्स डाली थी? देखिए मैम, ऐसा है कि हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 75 वार्डें हैं, आए दिन किसी न किसी जगह से कोई ना कोई कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन हमारे डिपार्टमेंट के पास आती रहती है कि देखिए जी आज सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया या सुपरवाइजर यहाँ पर नहीं आया। हमारी ये गुजारिश थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन करने से पहले उस एरिया से पता करे कि उस एरिया में रेवेन्यू दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। वहाँ क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों के ऊपर, रेवेन्यू की बात करें जो सैनिटाइजेशन का एक चार्ज मांग रहे हैं, आप उसी की बात? बिल्कुल बिल्कुल, वही यूजर चार्जर की हम बात कर रहे हैं कि उस एरिया से पता किया जाए कि यूजर चार्जर आ रहा है, जो कंप्लेनर है वो अपना यूजर चार्जर दे रहा है या नहीं है।
क्योंकि डिपार्टमेंट जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करने से पहले सुपरवाइजर के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं या सफाई कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो हमने इस चीज के ऊपर संज्ञान लेने की बात की है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं, इन चीजों के ऊपर पहले संज्ञान ले, उसके ऊपर उसके बाद जो है कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। और जहां तक यूनियन को बदनाम करने की बात की जा रही है, मेरी ये भी गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि इस लेटर को शहजादी गिल को वहां पर बैठा कर रीड करवाया जाए थ्रू मीडिया के सामने, और जो यूनियन के ऊपर उन्होंने ब्लेम लगाए हैं उनको वो साबित करें। और जो ये बात कर रही है कि हमारी यूनियन के ऊपर ये मानहानि करेंगी, तो हमारी दिल्ली में बात चल रही है, अगर शहजादी गिल हमें यहाँ पर गलत साबित करती है तो वो मानहानि करे, अगर वो साबित नहीं कर पाती तो ये हमारी दिल्ली में बातचीत चल रही है। हमारी यूनियन, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हमारे करम सिंह कर्मा जी, जो हमारे पूरे नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रखी है। उन्होंने हमें साफ लफ्जों में कहा कि दो दिन का आप थ्रू मीडिया इनको टाइम दो कि अगर ये थ्रू मीडिया माफी मांगते हैं, अगर ये क्लियरेंस देते हैं इस लेटर के ऊपर तो ठीक है, दो दिन के अंदर ये माफी मांगे, नहीं तो दिल्ली से कार्रवाई होगी, दिल्ली से जो मानहानि है वो शहजादी गिल के ऊपर की जाएगी। और वो कम कार्रवाई नहीं होगी, कम मानहानि नहीं होगी, सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए की मानहानि वहां से की जाएगी, जिसकी जिम्मेदार जो है वो शहजादी गिल खुद होगी। देखिए, साफ तौर पर निष्कर्ष यही निकला है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले उसके सबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाकई क्या किसी ने कुछ ऐसा किया है या नहीं किया, या मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आप किसी को भी बदनाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहां पर दिल्ली भी हस्तक्षेप कर रहा है, और दिल्ली से जिस तरह से तमाम सदस्य हैं इस यूनियन के, उन्होंने कहा है कि हम मानहानि भी करेंगे 1 करोड़ रुपए की अगर इन आरोपों को आप सही साबित नहीं कर पाए। तो फिलहाल यही बात है कि मीडिया के सामने आने से पहले हर एक व्यक्ति को सबूतों के साथ ही सामने आना चाहिए और सबूतों के साथ ही अपनी बात रखनी चाहिए, जिसके बाद इस तरह से जो झगड़ा है, इस तरह से जो बहस है, वो एक अलग रूप ना ले ले। आप यूं हमारे सामने देखते हैं विश्व जम्मू सुहान को। नमस्कार।